हेलो फ्रेंड्स, अपने बच्चों और हस्बैंड को अगर खुश करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर बनाएं। ये काफी ज्यादा हेल्दी एंड टेस्टी होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे हेल्दी नाश्ता, जिसके लिए देखिए यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी के आसपास आटा ले रही हूँ और इसी में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिया से हमारा फ्लेवर अच्छा आएगा, साथ ही कलर भी काफी अच्छा आएगा। थोड़ी सी यूज करूंगी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन, और सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जिस तरीके से आप आटे को गूंथते हैं उसी तरीके से आप इसका एक डो तैयार कर लेना। इसको हम हाथ से अच्छे अच्छे से मसल मसल के गूंथ लेंगे। जितना आप अच्छे से गूंथेंगे उतना ही परांठा आपका सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा दूंगी घी, आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। और चारों तरफ हमें आटे के अंदर अंदर तक इसको लगा देना है। और अब ये मेरा डो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब मैं 5 मिनट के लिए अलग रख दूंगी। अब दूसरी तरफ हम लोग इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने कद्दूकस करा हुआ एक कैरेट लिया है, थोड़ा सा प्याज लिया है बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बंद गोभी का। अब नाश्ते को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा धनिया, हल्की सी अजवाइन, थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर रही हूँ नमक, और इसी के साथ धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला लिया है और भुना हुआ जीरा। इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर दूंगी। तो जिस चीज़ की हमें फिलिंग तैयार करनी थी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। तो फिलिंग तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इस नाश्ते को आप जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों को, बड़ों को, सभी को खूब पसंद आए। तकरीबन 5 मिनट के करीब हो गए हैं और डो भी बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो आइए अब हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आप इसको लड्डू के आकार का बड़ा बड़ा सा एक लोई तोड़िएगा और इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मसल के, और आप इसको चकले पे बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास चकला नहीं है तो आप प्लेन पत्थर पे भी इसको बना सकते हैं। अब चकले पे मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा, ताकि लोई हमारी बिल्कुल भी ना चुपके। आप चाहें तो बिना सूखे आटे के भी इसको बेल सकते हैं, लोई आपकी नहीं चुपकेगी। और जिस तरीके से आप रोटी को बेलते हैं उसी सेम तरीके से ही आप इसको बेलिएगा। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा पतला हमें इसको नहीं बेलना। परफेक्ट लोई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से हमने इसको भी परफेक्ट तरीके से गोल गोल ऐसे बेल लिया है। और साथ ही इसमें मैं फिलिंग यूज करूंगी, जो हमने फिलिंग तैयार करी थी उसको हमें बिल्कुल बीचों बीच रखना है। और इसको आज मैं आपको 2 शेप में बनाना सिखाऊंगी, एक तो मैं इसको आपको रेक्टेंगल में और एक ट्राइंगल में। तो आप जब इसकी टर्न्स को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको टर्न कर रही हूँ। पहले हमें साइड साइड से करना है, फिर बाकी जो हमारे साइड के बच्चे हैं उनको भी हम इसी तरीके से इस पर चिपका देंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरा बन के बिल्कुल तैयार हुआ है नाश्ता। अब इसी के साथ मैं आपको आज दूसरा मेथड भी बताऊंगी कि आप इसको और किस शेप में बना सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए मैंने एक लोई और लिया और इसको भी मैं प्रॉपर जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से ही हमें इसको बेल लेना है। अब इसकी जो आप फिलिंग रखिएगा ना वो थोड़ा ट्राइंगल शेप में रखिएगा, तभी आपका थोड़ा ये जो नाश्ता है वो ट्राइंगल शेप में बनेगा। तो इसको कोशिश करिएगा कि पहले ऊपर की तरफ से फैलाइएगा, फिर नीचे की तरफ से इसको ऐसे ट्राइंगल शेप दीजिएगा, तो उससे आपका ये बिल्कुल परफेक्ट और ट्राइंगल शेप लुक भी इसका आएगा। अब इसको हमने अच्छे से बिल्कुल ट्रायंगल शेप में फैला दिया है और इसको भी हम इस तरीके से टर्न करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं साइड की तरफ से टर्न कर रही हूँ, फिर दूसरी तरफ से टर्न कर रही हूँ, और इसको अच्छे से चिपकाएंगे दोनों को परत को आपस में। और यहाँ पे जो हल्का सा बचा है इसको भी हम ऐसे ही चिपका देंगे प्रॉपर तरीके से, और जो ये नीचे का जो हिस्सा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, जिस तरीके से आप समोसा बनाते हैं ना लाइक, उसी तरीके से ही आपको बिल्कुल इसको फोल्ड करना है। और ये देखिए कहीं से ना फटा है ना कुछ भी हुआ है, प्रॉपर तरीके से हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ। तो इसको अब हम कोई तेल वेल में नहीं सेकने वाले हैं, जैसे आप पराठा सेकते हैं उसी तरीके से ही इसको हमें तवे पर सेक लेना है।
अब हल्का हल्का सा सिकना शुरू हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक तो पलट दिया है और दूसरा भी मैंने इसी तरीके से पलट दिया है, और इसी के ऊपर मैं लगा दूंगी देसी घी। जब आप इसको देसी घी में बनाएंगे ना, तो उसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो आप जब भी कभी भी कोई भी पराठा बनाए ना, तो देसी घी में बनाए, देसी घी का टेस्ट तो अलग ही आता है हमारे पराठे में। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमें इसको लगा देना है घी अच्छे से, और इसको बिल्कुल दबा दबा के अच्छे से सेकिएगा, ताकि ये हमारा कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो आपके मुंह में भी आ रहा है ना पानी, तो इस नाश्ते को आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के लंच में, कभी भी इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। हम लोग वैसे इतनी सब्जियां नहीं खा पाते, लेकिन इस नाश्ते के जरिए आप काफ़ी सारी सब्जियाँ एक बार में खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कलर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा इसका कलर आया है। मेरे को तो बहुत ही डिलीशियस एंड ये टेस्टी लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको अभी खा लूँ, लेकिन जब हम इसको सर्व करेंगे तो खाएंगे तो हम इसको उसी के बाद। तो गर्मा गर्म पराठे को सर्व करिए दही के साथ, या आप मक्खन, चटनी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको आज का मेरा ये पराठा रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।